नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। चलिए उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी में 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं, जहां हेलीपैड से लेकर जनसभा स्थल तक सुरक्षा के दृष्टिकोण से छावनी में इसको तब्दील कर दिया गया है। इसी के साथ कार्यक्रम स्थल पर मंच को सजाया और संवारा भी जा रहा है। वहीं लाखों की संख्या में मैदान में कुर्सियां लगा दी गई हैं, जहां मैदान में वीआईपी, सीनियर सिटीजन, प्रशासनिक विभाग और रिटायर्ड सैनिकों के बैठने के लिए जनसभा स्थल पर अलग अलग क्रम में व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो वहीं भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। देखिए, जो तैयारियां हैं कल के प्रोग्राम को लेके, उसका अभी मैं मौके पर जायज़ा ले रहा हूं। इससे पहले जो तैयारियां हो रही थी, सब अपना अपना काम कर रहे थे। आज हम इसको फाइनल टचेस दे रहे हैं। कहीं पे कोई कमी है तो उसको मैं खुद भी देख रहा हूं, विशेषकर पार्किंग्स को, मुख्य जो हमारा कार्यक्रम का स्थल है उसको, और बाकी जो वीआईपी डिग्निटरीज आएंगे उनके मूवमेंट को, रूट्स को, ट्रैफिक प्लान को, उसको देखा जा रहा है। इसमें ट्रैफिक प्लान तो डिटेल पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर कर दिया है, और जो अलग अलग रूट से गाड़ियां आ रही हैं, चाहे वो बसेस हों चाहे कार्स हों, उनकी डेजिग्नेटेड पार्किंग्स हैं, उनको वहीं पे जाना है। कोशिश ये कि किसी को भी ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े, इसलिए हमने नज़दीक में पार्किंग्स को बनाया है। लेकिन जितनी भी सम्मानित जनता है उनसे भी अनुरोध है कि वो अनुशासित रहेंगे, विशेषकर यहाँ पे जो कार्यक्रम स्थल है उन पर डिसिप्लिन रहेंगे। बहुत अच्छा, उसमें जो नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से हमारी सारी तैयारी। इसमें मौके पे कहा गया, एक तो सभी से ये कहा गया कि एक तो जो कोविड अनुरूप आचरण है उसका पालन करें। सीएमओ को हमने कहा कि यहाँ पे स्थल सैनिटाइज हो, अलग से सैनिटाइज़र के स्टैंड्स भी हों, सैनिटाइज़र की मोबाइल बॉटल्स भी हों, जिस किसी का मास्क छूट जाए, गिर जाए, टूट जाए, उनके लिए हम मास्क दिए यहाँ भी दे रहे हैं, और जो पार्किंग से उन पर भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, हम काफी समय से सफारी के तैयार होने का इंतजार कर रहे थे, इससे इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में मदद मिलेगी। इस सफारी में 100 से ज्यादा मगरमच्छ रहेंगे और ये यहाँ पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। क्रोकोडाइल सफारी में आने वाले पर्यटकों के लिए हम सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों को धार देने में लगी हुई हैं। इसी के साथ ही राजनीति में दल बदल भी जोरों पर है। जहां बीजेपी पार्टी के कई नेता विपक्षी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टियों के नेता भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने हरिद्वार के मंगलौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इसको जरा सुनिए। तीरथ सिंह रावत जी मौजूद हैं। भाजपा के नेताओं का लगातार भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आना जारी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य हों, चाहे उनके सपुत्र संजीव आर्य हों, या अभी हाल ही में हरिद्वार के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा जी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। क्या भाजपा में बौखलाहट है? तीरथ सिंह रावत जी से बात करते हैं। सर, आपके नेता लगातार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है और नेशनल पार्टी है, और साथ ही देश की रक्षा सुरक्षा ये प्रथमतः, और साथ में आम जनता का विकास, क्षेत्र का विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री मोदी जी का केवल कहना नहीं तो करना भी है। आपके बगल से रोड जा रही है, पहले दिल्ली से रोड की कितना समय लगता था, आज कितना लग रहा है? सुबह दिल्ली से चलो नाश्ते के लिए रोड की आ जाओ। मैं परसों 4 बजे चला, 9 बजे श्रीनगर पहुँच गया। कितने घंटे पहुँचा? जहाँ 10 घंटे लगते थे वहाँ आधे घंटे, 5 घंटे पहुँच। ये विकास, और इसको देखते हुए अन्य पार्टियों में बौखलाहट, घबरा, वो चिंता उनको सताती है। भाजपा ने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिए। पहले 4 साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे, 3 महीने का कार्यकाल करीब आपका रहा, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, ऐसा क्यों? विषय ये नहीं है, विषय हमारे विकास का वैचारिक विषय है, और हम किसी लक्ष्य के लिए चलते हैं, कोई मिशन हमारा है, और वो मिशन है देश बड़ा, बाकी पार्टी सेकेंडली, नेता थर्ड, व्यक्ति और, तो अपना ये है। इसलिए
ये विषय नहीं है, विषय विकास का, जनता विकास चाहती है। ये कौन गया कौन आया ये तो लोकतंत्र में चलता रहता है, लेकिन मेन है कि आप जिसके लिए आए हैं वो विकास आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जनता के बारे में विचार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी पर देश में मोदी चेहरा है, उत्तराखंड में क्या पुष्कर सिंह धामी चेहरा होंगे? विकास है, मैंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हम विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड में चेहरा कौन है हुआ? प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड को धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का मुद्दा है और मोदी जी एक चेहरा है उत्तराखंड में। चेहरा जब उनसे पूछा गया कि कोई चेहरा है या पुष्कर सिंह धामी जी चेहरा होंगे, तो वो कुछ नहीं बोल पाए। अपने सहयोगी वीरेंद्र विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन उत्तराखंड के 22वें वार्षिक उत्सव में भाग लिया है। इस अवसर पर हरक सिंह रावत ने विद्युत कर्मचारियों के लंबे समय से चली आ रही मांगों के विषय में कहा कि विद्युत कर्मचारियों की दी दो को छोड़कर सभी मांगे मान ली गई हैं और शेष दो को भी जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने हरीश रावत पर हमला बोलते हुए कहा कि हरीश रावत की जुबान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। देखिए, जब तक कोई अंतिम निर्णय किसी के बारे में नहीं हो जाता है, मैं क्योंकि एक शिक्षक रहा हूँ, कानून को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि कोई केवल मुकदमा दर्ज होने से उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई चलने से आप उसको अपराधी नहीं मान सकते हैं जब तक उसके खिलाफ कोई अंतिम फैसला न्यायालय से नहीं हो। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत विभिन्न हाई कोर्टों की समय समय पर नजीर है कि कोई व्यक्ति अगर जेल चले जाता है और 48 घंटे से अधिक जेल में रहता है तो उसको निलंबन कर दिया जाता, हमने उसको निलंबन कर दिया उस समय। अब क्योंकि निलंबन आप एक समय से अधिक नहीं रख सकते हैं, अब कोई व्यक्ति जब जेल से जमानत पे आ जाता है उसका मुकदमा चलता रहता है, तो ये नियमों के तहत विभिन्न समय में जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा करना ये सरकार की बाध्यता है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के बाद हरिद्वार की सीटों पर आजाद समाज पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर ने मंगलौर दौरे के बाद अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। इसी के साथ ही चंद्रशेखर उत्तराखंड सियासत में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गए हैं। मंगलौर में काजी मोनीश के आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने सभी विधानसभाओं में आजाद समाज पार्टी को मजबूती के साथ चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रूपरेखा बनाई। प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के लोग त्रस्त हो चुके हैं, आप केवल पैराशूट की राजनीति कर रही है, आजाद समाज पार्टी जनता के बीच उनके दर्द को साझा कर रही है। मेन मुद्दा जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इससे संबंधित ही कि आज जो अन्याय, अत्याचार है, उत्पीड़न है, उसके खिलाफ सबके मान सम्मान के लिए हम लोग चुनाव में मैदान। युवाओं के साथ में सरकार ने छल किया है, शिक्षा के नाम पर युवाओं को ठगने का काम किया है, रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगने का काम किया है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले इस प्रदेश के अंदर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा का स्तर और ऊंचा किया जाए, और जितने भी यहाँ बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, यानी कि अच्छी अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी आज नौजवान साथी जो हैं बेरोजगार हैं, उन्हें अच्छे रोजगार की व्यवस्था की जाए। और लगातार जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को टारगेट करके मारा जाता है, पीटा जाता है। हम चाहते हैं कि देश के अंदर से पूरी तरह से शोषण को ख़त्म किया जाए। हरिद्वार में विधानसभा ज्वालापुर के विधायक सुरेश राठौर ने ग्राम पुरनपुर, टकाभरी आदि ग्रामों में सड़कों का उद्घाटन किया है। विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि सड़क का निर्माण 1,76,00,000 की लागत से किया जा रहा है,
जिसका काफी लंबे समय से कार्य रुका हुआ था। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार गांव-गांव में विकास कार्य कर रही है और जितना विकास 6-7 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में हुआ है, इतना विकास दूसरी सरकार में नहीं हुआ। देखा सड़कों का उद्घाटन है, 1,76,00,000 की लागत से सड़क का निर्माण कर रहे हैं, जो लंबे समय से पड़ी थी, रुकी पड़ी थी, उसको हम बना रहे हैं ताकि लोगों को इस कठिनाई से छुटकारा मिल सके। और माननीय पुष्कर सिंह धामी की सरकार बराबर गांव-गांव में विकास कर रही है, गली में चारों तरफ पे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, किसानों की समस्याएँ हो, तो उन सब पे हम बराबर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा को लेकर हल्द्वानी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला, जहां विजय संकल्प यात्रा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया, तो वहीं विजय संकल्प यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। यात्रा को लेकर वरिष्ठ बीजेपी नेता और हल्द्वानी विधानसभा में दावेदारी कर रहे प्रमोद तोलिया का कहना है कि विजय संकल्प यात्रा को जिस तरीके से लोगों का अपार सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है, उससे आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी 60 से ज्यादा सीटों को जीत लेगी। आज विजय संकल्प यात्रा ये भीमताल से होकर हल्द्वानी पहुंच चुकी है, लोगों में भारी उत्साह है, जो घरों से निकल कर लोग यहां स्वागत कर रहे हैं विजय संकल्प यात्रा का, और ये पहुंच चुकी है, सारे लोग जगह जगह पर स्वागत विजय संकल्प यात्रा कर रहे हैं। विजय संकल्प यात्रा के साथ साथ 30 तारीख को आने वाली मोदी जी की जो यहाँ सभा होनी है, उसमें ज़बरदस्त उत्साह है, हर गली मोहल्ले हर घर से आदमी मोदी जी को सुनने के लिए आना चाहता है। हमारे कार्यकर्ता गली गली में जाकर निमंत्रण पत्र दे रहे हैं और आने वाली 30 तारीख को मोदी जी जो MBA कॉलेज में सभा करने जा रहे हैं, उसमें लाखों लोग उमड़ने को तैयार बैठे। हमारे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह था, जो मेरे साथ लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ ये विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ और वो आगामी मोदी जी की रैली के लिए भी क्षेत्र में भ्रमण कर सबको निमंत्रण दे। मैं भाजपा का सिपाही हूँ, मेरा कर्तव्य है दावेदारी करना, सभी हमारे भाई लोग भी दावेदारी कर रहे हैं, बाकी निर्णय हाईकमान का है, पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसको लड़ाएंगे और इस बार हल्द्वानी विधानसभा को भाजपा की झोली में अवश्य। लालकुआ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वरिष्ठ कांग्रेसी महिला नेत्री संध्या डालाकोटी और उनके पति किरण डालाकोटी ने भारी बारिश से उफनाई गौला नदी के तेज बहाव में अपना सब कुछ खो बैठे बिंदुखत्ता क्षेत्र के निवासी 6 परिवारों के रहने के लिए बनाए गए भवनों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर सेचुरी पेपर मिल और राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें लालकुआ से, जहां पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने भूमि पूजन किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गरीब परिवारों को ये घर दिए जाएंगे। 18 और 19 अक्टूबर को जो पूरे प्रदेश में विशाल आपदा आई हुई थी, उसमें हमारे क्षेत्र लालकुआ विधानसभा के बिंदुकत्ता इंदिरा नगर सेकंड गब्दा में 6 परिवारों के मकान और जमीन नदी में बह चुके थे। उस बीच मैंने जाके वहां पर अपनी निजी भूमि दान देने की बात कही थी और आज उस भूमि का श्री गणेश और गणेश पूजन हम लोगों ने यहाँ पर कर भूमि पूजन कर दिया है और उसमें सेंचुरी से भी हम लोगों को यहाँ पर जो हमारी भूमि थी उसमें उनने 6 लोगों को मकान बनाने का निर्णय लिया था। रुद्रप्रयाग के पूर्वी बांगर क्षेत्र के लोग 2 दशक से मोटर पुल और सड़क डामरीकरण की मांग कर रहे थे। आखिरकार लंबे समय के बाद पूर्वी बांगर क्षेत्र के लोगों की मांग पूरी हो गई है। घेरागाड़, माथ्या गांव, भुनाल गांव, बक्सीर मोटर मार्ग के बीच बंडकंडी गदेरे पर 2,21,00,000 की लागत से निर्मित मोटर पुल का उद्घाटन विधायक भरत चौधरी ने किया। इसके साथ ही उन्होंने 3,65,00,000 की लागत से छिनागाड़ से मध्या गांव तक 5 किलोमीटर सड़क डामरीकरण और चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास भी किया है। देखिए, पूर्वी बांगर क्षेत्र में सड़क की जो हालत थी वो बहुत ही ख़राब थी और पिछले वर्षों में 5 किलोमीटर डामरीकरण का काम हम करवा चुके थे
और 5 किलोमीटर का डामरीकरण का काम इस समय शुरू करवाया गया है। और एक जो पुल का बहुत लंबे समय से, क्योंकि यहाँ पे हालत ये थी कि कई बार क्षेत्र की कई वाहन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, खुशकिस्मती से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन कभी भी बड़ा हादसा वहाँ पर हो सकता था, तो लिहाजा उस पुल की मांग बहुत लंबे समय से थी और आज जब वो पुल बन करके तैयार हो चुका है तो क्षेत्रवासियों में हर्ष की एक लहर है, बहुत खुशी का माहौल है। और जिस तरह से बांगर क्षेत्र में इस 6 ग्राम पंचायतों के बीच में पिछले 2 सालों के अंदर 2 टावर्स की जो संचार की जो सुविधा थी उसके लिए जियो के 2 टावर यहां पर स्थापित किए गए, माथा गांव से उछोला तक 2 किलोमीटर सड़क का काम यहां पे किया गया, 10 किलोमीटर सड़क के डामरीकरण का काम यहां पे चल रहा है, पुल का निर्माण हो चुका है, इन सब बातों को लेकर के जनता में अपार उत्साह था, बहुत खुशी का वातावरण उनके बीच में था और उन्होंने आगे के लिए भी मुझे शुभकामनाएं दी हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान उत्तराखंड वासियों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और इस दौरान आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में महिलाओं और युवाओं के लिए की गई घोषणाओं पर भी सवाल उठाए। इसी को विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी श्रीनगर विधानसभा ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बयान का जोरदार विरोध किया और आम आदमी पार्टी के पौड़ी जिलाध्यक्ष गजेंद्र चौहान ने कहा कि उत्तराखंड वासियों को गाली देना उत्तराखंड की जनता का अपमान है। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि आरक्षण श्रेणी की नौकरियां ना होने और सरकारी ठेका प्रथा पर दी गई नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर 30 दिसंबर को बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और यह प्रदर्शन पूर्व मंत्री यशपाल आर्य के नेतृत्व में मंगलौर में आरक्षित वर्गों के साथ रैली निकालकर किया जाएगा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए बेरोजगारी देश के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा दी और ख़ास तौर से आरक्षित वर्ग के लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त चोट पहुंची है और आरक्षण श्रेणी के जितने भी नौकरियां हैं वो नहीं हैं और जो सरकारी संस्थान हैं उसमें ठेका प्रथा पर या टेम्परेरी बेसिस पर नौकरी दी जा रही है जिसमें किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है। तो कल को आरक्षित वर्ग को नौकरी देने की मांग को लेकर यशपाल आर्य जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार वो यहाँ आ रहे हैं और उनके नेतृत्व में यहाँ हम लोग एक भारी तादाद में आरक्षित वर्ग के लोग इकट्ठे होंगे और सरकार से मांग करेंगे कि आरक्षित श्रेणी के लोगों को नौकरी दें। भाषा का आरोप लगाकर गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता सुरजीत सिंह अपने पार्टी के एक नेता पर आरोप लगाते हुए 14वें दिन भी धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान सुरजीत सिंह ने बताया कि गदरपुर में खुद को बीजेपी के कैबिनेट मंत्री का प्रतिनिधि बताने वाले एक व्यक्ति ने उनके पैसों का गबन कर लिया जिसका मामला कोर्ट में भी चल रहा है और उसी के खिलाफ वो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं लेकिन पार्टी के किसी भी नेता ने उनसे मिलने की जहमत भी नहीं उठाई है। गदरपुर की तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि बीजेपी के किसी भी नेता ने उनसे मिलने की उनकी समस्याओं को सुनने की जहमत तक नहीं उठाई, किसी नेता ने सुध भी लेने की नहीं सोची है। लगातार आज 14वां दिन है, मैं एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ और मेरे साथ अन्याय हो रहा है जिसमें एक फर्जी प्रतिनिधि शिक्षा मंत्री का प्रतिनिधि जिसके ये मैंने विज्ञापन किया कि ये आप सब पत्रकार भाइयों को दे रहा हूँ कि उसने इतना आतंक मचा चुका है जिसकी वजह से आज मेरा बेटा अशिक्षित हो चुका है, मैं उसकी फीस नहीं दे पाया हूँ, मेरा हक छीन गया है, मेरे पास ठोस सबूत हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ और एक वो बार बार एक ही बात पत्रकार भाइयों से कहता कि मेरा लेन देन नहीं है और जब माननीय न्यायालय से जांच आती तो उसमें उसके बयान दर्ज हैं जो मैं आपको साक्ष्य दे रहा हूं, आप उससे जाके पूछिए कि ये बयान आपने 10% का हिस्सेदार क्यों दिखाया और अगर 10% का हिस्सेदार हूं तो मेरा पैसा मिन्नी ने क्यों खाया और अगर मिन्नी ने नहीं खाया तो वो कौन व्यक्ति उसका नाम दे और आपको उसका इंटरव्यू दे कि वो इस व्यक्ति के पास है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए।
उत्तराखंड सरकार की तरफ से मंडियों में नए नियम के तहत 2% मंडी शुल्क और 50% विकास सेस शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर व्यापारियों में भारी रोष है। व्यापारियों ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार गुड मंडी पर बढ़ाए गए टैक्स का शुल्क कम नहीं करती है तो वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। मंगलौर गुड़ मंडी में आने वाले गुड़ का कोई व्यापार नहीं होगा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में केवल 1% मंडी शुल्क है और हरियाणा में कोई शुल्क नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने 2.5% टैक्स व्यापारियों पर थोप दिया है जो सरासर गलत है। व्यापारी को जो दोबारा से ये APMC एक्ट जो लागू किया यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी, तो उससे पहले जो APLM एक्ट था उसमें मंडी शुल्क बाहर 0 था लेकिन अंदर 1.5% कितना था, 2% था। अब चूंकि इनकी ये बात थी कि बाहर भी मंडी शुल्क होना चाहिए तो दोबारा से वही मंडी एक्ट लागू हो गया जो 1971 का मंडी एक्ट है, उसमें 2.5% पहले से ही व्यवस्था थी। इन्होंने कई सालों तक 2.5% मंडी शुल्क दिया। अब इनका ये कहना है कि यूपी में 1.5% मंडी शुल्क हो गया, हमारे यहाँ 2.5% है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में इनको दिक्कत आएगी, माल बेचने में दिक्कत आएगी। तो इनके द्वारा ज्ञापन मिल गया है तो हमारे द्वारा ज्ञापन शासन तक पहुँचा दिया जाएगा। अब वास्तव में ये नया कानून आया है व्यापार मंडल, ये मंडी शुल्क, तो मंडी शुल्क अधिनियम कानून आया है जिसके तहत हमारे ऊपर उन्होंने गुड़ पे 2% मंडी शुल्क और 0.5% सरचार्ज, कुल 2.5% लगा दिया। जबकि हमारी निकटवर्ती मंडियां जो यूपी की हैं तो वहां पर 1.5% है टोटल वन, मतलब, और हरियाणा में केवल 0% है। हमारे पे इन्होंने 2% मंडी शुल्क और 50% विकास सेस लगाया है और बराबर निकटवर्ती मुजफ्फर मंडी में 1.5% मंडी शुल्क है और इसी कारण हम लोग व्यापार करने में असमर्थ हैं। एक्चुअली हमारी मंडी बिल्कुल कॉर्नर पड़ती है, यहाँ से भाड़े भी ज़्यादा लगते हैं। हमारी एक डिमांड है कि इसको मंडी शुल्क को 1% कर दिया जाए ताकि हम सुचारू रूप से व्यापार कर सकें, और सरकार हमारी ये मांग लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य कर रही मेघा कंपनी के मजदूरों और कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने रेलवे परियोजना स्थल सुमेरपुर में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और धरना देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं हो जाती आंदोलन जारी रहेगा। कंपनी कर्मचारियों का शोषण कर रही है और 1 साल से 16 सूत्रीय मांगों को लेकर कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं हुई है। ऐसे में मजदूरों और कर्मचारियों में कंपनी के खिलाफ भारी आक्रोश है। जो है हमारी कंपनी वाला यहाँ वर्करों का शोषण कर रही है और 1 साल से शोषण हो रहा है वर्करों का। किसी को ओवरटाइम नहीं दिया जा रहा, किसी की पेमेंट, अभी जो पेमेंट आया वो कट गया है वर्करों की, इसलिए वर्कर जो है गुस्से में आहत हो गया वर्कर, इसलिए हड़ताल करी आज। और जब तक कंपनी हमारी नहीं सुनती कि तब तक हड़ताल रहेगी, जब तक कंपनी हमसे कोई वार्ता नहीं करती, हमारी कोई बात नहीं सुनती, तब तक हम ये हड़ताल जारी रखेंगे। लेबर हैं यहाँ लगे हुए हैं मेगा इंजीनियरिंग में और तरह तरह के लेबर हैं, मजदूर हैं, और मजदूरों की जो रोज़ की जो डिमांड है उनकी, उनको काम के जो बदले दाम है, उनका जो टनल से संबंधित जो अनाउंस है, उनकी जो सामाजिक सुरक्षा का जो सवाल है, उनका नियुक्ति पत्र का सवाल है, उनका पहचान पत्र का सवाल है, ये इस तरह के तमाम सारे सवालों को लेते हुए जो हर जगह हर मजदूर की एक एक कंपनी को उनको मुहैया करानी होती है और जो श्रम कानून के अंतर्गत वो उपलब्ध है, जो बनाए हुए हैं श्रम कानून, जो मजदूरों की हिफाजत के लिए एक कानून बना हुआ है और उस कानून के तहत ही डिमांड कर रहे हैं, कोई अलग से कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। और इसकी डिमांड जो है मजदूर जो है सितंबर माह से कंटिन्यू अपने कंपनी प्रशासन से जो है अपना ज्ञापन, अपनी मांगों का मांग पत्र कंपनी प्रशासन से, लेबर कमिश्नर से, जिला प्रशासन को दे के आ रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि लगातार हमारी कंपनी 1 वर्ष से हमारा ये शहीद मजदूरों को शोषण कर रही है। हमारी न्यूनतम मजदूर जो सरकार से तय है वो भी नहीं दी जा रही थी और हमारे टर्नलाउन सिस्टम में 1 किलोमीटर बन चुका है जो कि 100 किलोमीटर से देरी होता है, 100 मीटर से देरी होता है, वो भी नहीं दिया जा रहा है। उधम सिंह नगर के खटीमा में 22 पुल, खेलड़िया के राजकीय प्राथमिक स्कूल और जूनियर हाई स्कूल में
उप प्रधान गोरखनाथ और मीडिया कर्मियों के विशेष आग्रह पर खटीमा ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी और सांसद प्रतिनिधि साधु सिंह नामधारी की तरफ से स्कूल का निरीक्षण किया गया, जहां स्कूल का स्टाफ भी मौजूद रहा। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में पेयजल और चार दीवारी का अभाव पाया गया, जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख ने समस्या का संज्ञान लेते हुए पेयजल और चार दीवारी समस्या का तत्काल समाधान का आश्वासन दिया है। प्रधान जी गोरखनाथ जी का, पत्रकार बंधु मीडिया बंधु का, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से भी हैं, मीडिया दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि आपके वजह से आपने इस विद्यालय की समस्याओं का को जो है प्रमुख साहब के संज्ञान में डाला और प्रमुख साहब ने मौके पर आकर के इन समस्याओं को समाधान करने के लिए उसका निवारण हेतु जो है तत्काल आश्वासन दिया। पुरिया का हम लोगों ने उद्घाटन करा, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, पत्रकार बंधुओं का, जो वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने हमें वहाँ यहाँ के लिए अवगत कराया कि सिसैया खिलड़िया में एक स्कूल है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। उसको देखते हुए हमने तुरंत यहाँ टैंक रखवाने का और सबमर्सिबल का कार्य तुरंत कर दिया, जो 2-3 दिन में हो जाएगा। ऋषिकेश के कृष्णानगर कॉलोनी और खांड गांव को नगर निगम में शामिल करने की मांग को लेकर त्रिवेणी खाट पर स्थानीय लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका आरोप है कि उनकी जायज मांग पर सरकार स्थानीय विधायक के इशारे पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद सार्वजनिक मंच से कृष्णानगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने की घोषणा कर चुके हैं। कॉलोनी के निवासियों की मांग को जायज ठहराते हुए स्थानीय लोग लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ तो पासवान जी आए थे, समूह पासवान जी समर्थन दे, वो भी उनका समर्थन शुरू से लगे हुए प्रयास कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी से ही है। ललित मोहन मिश्रा जी आए थे, राजकुमार अग्रवाल जी हैं, कौन है लोग, ललित मोहन मिश्रा जी व्यापार सभा के अध्यक्ष हैं, राजकुमार अग्रवाल जी भी व्यापार सभा के अध्यक्ष हैं, हमारे छोटू भाई वीरेंद्र शर्मा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, ये लोग भी आए और काफी शहर के लोग अभी आए थे और सभी लोगों का समर्थन मिल रहा, सभी लोग सहानुभूति भी मिल रही है। ये काम न होना चाहिए, सभी लोगों का इस तरह का समर्थन है, सभी लोग साथ देने को तैयार है। मेरा कहना ये है कि मैं पहले भी आया था यहाँ पर और 75 दिन से ये लोग कृष्णा नगर कॉलोनी की समस्या को लेकर के यहाँ धरने पर, उनकी डिमांड है जैसे खांड गांव है, कृष्णा नगर कॉलोनी है, IDPL है, इसको नगर निगम में शामिल किया जाए। मेरी समझ में नहीं आता, गणित में एक सिद्धांत है कि आगे दौड़ और पीछे चौड़, अमित ग्राम की 36वीं गली तो ले ली लेकिन खांड गांव को बीच में छोड़ दिया, हमारे समझ में नहीं आए भाई खांड गांव क्यों छोड़ दिया आपने। ये तो कोई ऐसी डिमांड भी नहीं है और मैंने जो तमाम पत्र देखे हैं किसी ने भी इस डिमांड को नजरअंदाज नहीं किया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, धन्यवाद।